हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम बैक अगैन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। आई एम सो सॉरी कि मैं अपडेट आप लोगों को प्रॉपर नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था। और इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना की सोची कि मैं आपको बता दूं, 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये 4 महीने बड़ी मुश्किल से कटे हैं। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद ये जो 3 महीने 4 महीने का पीरियड होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा लगता है। और ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपका टाइम कटता नहीं है, क्योंकि सारे लोग देख रहे होते हैं कि आधे बाल हैं आधे नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है। और इम्प्रूवमेंट डॉक्टर ने बोला था कि 4 महीने में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने दिखाया था, उसमें बाल थोड़े से छोटे थे, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, ये इतने लंबे हो चुके हैं। तो अभी और डेंसिटी आएगी इनमें, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ पे टच करके देख रहा हूँ, तो मेरे को कुछ बाल जो बिल्कुल बेबी हेयर्स होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेज में होते हैं, जो उगी रहे होते हैं, वो आप फील कर सकते हो उसको। क्योंकि आप जब टच करेंगे तो वो हल्के हल्के से आपको चुभेंगे, क्योंकि कोई भी जैसे हम घास भी काटते हैं, वो घास जब उगती है तो उसको टच करते हैं तो वो हल्की चुभती है। तो वैसे वैसे लग रहा, फील हो रहा है मेरे को कि मेरे हाथ में कुछ जैसे बाल होते हैं चुभ रहे हैं, जो बोल के बहुत ही छोटे हैं। अभी वो ग्रो करेंगे, वो भी इस एरिया को टेंस करेंगे। और आप कमेंट में लिख सकते हैं कैसा रहा और आपको कैसा लगा, और बहुत जल्दी मैं रिवील करूँगा कि मैं तो अभी तक तो खुश हूँ अपने ट्रांसप्लांट जो है उससे। और मैं बहुत जल्दी रिवील भी कर दूँगा कि कहाँ से मैंने कराया है, आप कितने में करा सकते हैं, आप उनसे कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएशन वाली मैंने वीडियो एक आपको बनाई भी हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये आपके आपके स्किल्स के ऊपर है कि आप डॉक्टर से कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, और आप जितना अच्छा नेगोशिएट करेंगे उतना बढ़िया फ़ायदा है आप लोगों के लिए। और बस यही है, एक बार फिर देख लीजिए। कोई भी आपके मन में डाउट्स वगैरह हो, कुछ भी हो, आप वो पूछ सकते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, मैं अभी एक वीडियो डालूँगा दवाइयों के ऊपर कि क्या क्या दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ और वो किस तरीके से काम करती हैं। एक्चुअली मैंने अभी सर पे सीरम लगाया हुआ है, लेवॉन का सीरम, क्योंकि आप जब दवाइयाँ खाते हैं, आप जब इनके शैम्पूस यूज़ करते हैं जिनमें प्रोटीन्स होता है, जिनमें अदर केमिकल्स होते हैं, वो आपके ना जो बाल होते हैं उनको थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं। ड्राई मतलब एकदम रूखापन आ जाता है इनमें, जैसे मतलब कलर से ब्लैक नहीं रहता और थोड़ा सा वो ब्राउनिश कलर हो जाता है। मेरे बाल वैसे भी थोड़े ब्राउनिश हैं स्टार्टिंग से ही, तो मेरे को ज़्यादा फील होता है, तो मैं थोड़ा सा लेवॉन यूज़ कर रहा हूँ आजकल। हालाँकि डॉक्टर ने इसके लिए मेरे को रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी लेवॉन यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा 3-4 ड्रॉप बहुत होती हैं, वो क्या करती हैं आपके बालों में शाइन ले आती हैं। और उससे बस ये होता है कि जो ट्रांसप्लांटेड एरिया ये थोड़ा सा हल्का सा चमकने लग जाता है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा बीच बीच में ना इस जगह को साफ़ करना पड़ता है। लेकिन फिर ये लेवॉन जो है बहुत अच्छा, जो सीरम है बहुत अच्छा काम करता है। और बस यही है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। अगर आप सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने की, तो आप वो करा लीजिए, क्योंकि यार अभी तक तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे कैसा लगा, मुझे तो ठीक लगा। अब मैं ये सोचता हूं कि हाँ, अगर आप दवाइयों से अपना क्या कहते हैं प्रिक्योर कर सकते हैं अपना हेयर फॉल, तो आप प्लीज़ उस पे जाइए। सबसे पहले पहले तो डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज से 4 साल 5 साल पहले मैं अगर डॉक्टर को दिखा देता तो मेरे बाल वहीं पे रुक जाते, हेयर फॉल नहीं होता। क्योंकि जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं, और उनके अभी तक तो मेरे को साइड इफ़ेक्ट लगे नहीं, क्योंकि वो नेचुरल हैं। और अभी तक तो कोई सेहत पे कोई असर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट मेरे को दिखे नहीं है। और आप डॉक्टर से प्रेफर करेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे कि आपको क्या मेडिसिन लेने चाहिए, क्या मेडिसिन नहीं लेने चाहिए, वो आपको अच्छे तरीके से बता पाएंगे, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, रदर देन कि आप किसी और के बोलने पर जाएँ। आप मेरे बोलने पर भी ना जाएँ, आप बस इतना सुनिए कि अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप डॉक्टर से के पास जाएँ, उसको दिखाएँ, और वो आपको सजेस्ट करें कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आपको जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कि आपको नहीं जाना चाहिए। और एक और वीडियो की मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि एक वीडियो मेरी और आने वाली है। मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा था कि सर आप जो पहले विग यूज़ करते थे, आप उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लगी हमें, तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। उसका जो
प्राइसिंग वगैरह है वो किस तरीके से काम करती है, और वो कितने क्या क्या उसमें सिस्टम है, और क्या किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, वो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, तो बस यही है, और क्या, बाकी मस्त रहिए, खाइए पिए, और बहुत बहुत बधाई है अगर आपने वोट किया है, तो और नहीं किया है तो प्लीज़ जाके करिए, अभी लास्ट चरण का वोट रह गया है, क्योंकि वोट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कि आपको इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट में आप लिख सकते हैं, कोई भी आपके सवाल हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, थैंक यू सो मच।